मकान और दुकानें बनाकर लोगों ने लंबे अरसे से रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 56 मकानों का कब्जा हटाया और जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। अतिक्रमण कार्रवाई के वक्त सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन व रेलवे के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। कई वर्षों से रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर कब्जा जमाए लोगों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 56 मकानों को ध्वस्त कर दिया। लोग रेलवे की जमीन पर घर बनाकर रह रहे थे, दुकानें भी बनाई हुई थी। रेलवे की यह जमीन परासिया छिंदवाड़ा मार्ग पर है, जहां पहले खिरसा डोह जंक्शन था। ब्रांड रोज होने के बाद कोयला लोड करने के लिए यहाँ साइडिंग बना दी गई थी। स्टेशन के सामने पीडब्ल्यूडी की रोड है, जिसके सामने एक बड़े हिस्से में अतिक्रमण कर लोगों ने मकान और दुकान बना ली थी। रेलवे ने इसे हटाने के लिए लगातार नोटिस दिए थे। रेलवे ने 77 मकान तोड़ने की सूची बनाई और बीते माह मकानों पर निशान भी लगा दिया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे ने एक समय सीमा तय की, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 56 मकान और दुकान तोड़ दिए। वर्षों से यहां रह रहे लोगों के आशियाने टूटने के बाद मातम पसर गया। इस दौरान इंडियन रेलवे के सर्विस अधिकारी अभिषेक गुप्ता, पुलिस व प्रशासन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सर, कल तो हम लोग कल तक तो अभी रोड में थे, तो अभी कोई जगह आगे तो मिली नहीं है। और हमने पंचायत में भी बोले थे कि हमको जगह दो, उनने भी कोई पट्टा हट्टा कुछ नहीं दिया है। सर के पास एप्लीकेशन है, एडमिन सर के पास में भी हमारे, वो कुछ को अभी कुछ बात ही नहीं हुई है। यहाँ से आने कोई आदमी भी नहीं आए, यानी कि पंचायत का या सचिव कोई भी। तो सर अभी तो हम अभी रोड में ही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।